जनपद कन्नौज की सदर कोतवाली क्षेत्र में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस कप्तान के मुताबिक बच्ची पिछले 5 दिन से लापता थी। 15 तारीख को वो गांव के बाहर बाग में बेर तोड़ने गई, जहां से वो गायब हुई। काफी तलाश के बाद बच्ची नहीं मिली तो पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 16 मार्च को अपहरण में मुकदमा लिखा और लड़की की तलाश में लगी रही। 19 मार्च को लड़की का शव गांव के बाहर लाई के खेत में पड़ा मिला। मासूम के हाथ पैर बंधे थे। गुप्तांगों को तेजाब से जलाया गया था। पुलिस कप्तान ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या की गई है। बच्ची के पिता ने गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जो निर्दोष थे उन्हें छोड़ दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक ने तत्काल फॉरेंसिक टीम बुलाकर सारे तथ्य जुटाए और जांच टीम बनाकर घटना के खुलासे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी मृतका का मुंह भोला भाई निकला। पुलिस कप्तान ने बताया कि आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा था। वही आरोपी ने बताया कि उसने पहले मृतक के साथ रेप किया, बाद में उसके ही कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये 19 तारीख की घटना है। 15 तारीख को शाम को एक जो रागिनी नाम की एक बच्ची थी, जो कोतवाली क्षेत्र में डेंगनपुरवा गांव पड़ता है कुसुमपुर चौकी में, वो 15 तारीख को अपने घर से निकली थी दोपहर अपने खेत में बेर तोड़ने के। उसमें उसके बाद वो बच्ची वापस घर लौट के नहीं आई है। 19 तारीख को बच्ची की लगभग 10 साल थी और 19 तारीख को सुबह सुबह एक डेड बॉडी मिला था, जो रागिनी के जो गायब लड़की उसके रूप में पहचाना गया था। घर से 100-150 मीटर दूरी पे एक राय के खेत में पड़ी मिली थी। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा वहाँ पे मौके पर मैं भी पहुँचा और सभी लोग वहाँ पहुँच के फील्ड यूनिट से भी उसका परीक्षण कराया गया है और उसका सबूत इकट्ठा किया गया है और अपहरण और हत्या और रेप की मुकदमा लिखा गया है। उस कड़ी में हम लोगों के द्वारा विवेचना की गई है और तमाम लोगों को पूछताछ भी किया गया है। उसमें पता चला इन्हीं के परिवार वालों ने कुछ बगल के गांव वालों को नामजद भी कर रहे थे, बट विवेचना में पता चला उसके घर के ही पड़ोसी प्रमोद पुत्र सुदामा निवासी डेंगनपुरवा, इन्हीं के बिरादरी का है, इन्हीं के घर का, इन्हीं के घर के पड़ोस के। इन्होंने उस दिन जो 15 तारीख को लड़की के पीछे से आया, लड़की के साथ इन्हीं ने रेप किया और रेप करने के बाद इसको गला घोट के मारा है। यानी कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। तो अभियुक्त ने इसको कबूल भी किया है। उसका जो उस दिन के जो कपड़े हैं वो बरामद किए हैं और इनका जो अंडरवियर है वो भी बरामद किया है, जिसमें कुछ ऐसे निशाने लग रहा है जो खून का हो सकता है, सीमन का हो सकता है, जो हमारे द्वारा फसल को भेजा जाएगा परीक्षण के लिए। और अभियुक्त द्वारा ये कहा गया कि वो उस दिन जहाँ पे लड़की बेर तोड़ रही थी वहीं पे ये पहुँच गया था और लड़की को अपने घर लिवा ले जाने का वो करके लड़की साथ में ले गया और जब कोई देखा नहीं ये वही राय के खेत में ये मुंह दबा के ले गया और उसको वहीं पे उनके साथ गलत काम किया है। और उसके बाद क्योंकि लड़की इसको पहचानती थी तो इनको उनके लड़की के ही कपड़े से उसकी गला घोट दिया, स्ट्रैंगुलेट करके उसको मर्डर कर दिया ताकि ये पहचान ना कर पाए। हाँ, उसी दिन ये लड़की लगभग घर से 2-2.5 बजे के आसपास निकली थी और उसी दिन जैसे वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर जो हम लोगों ने रिविजिट भी किया घटना स्थल पर, वहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास खेतों में एक बेर के पेड़ था, वहाँ तक गई लड़की। वहाँ पे ये और इनके छोटे भाई बेर तोड़ रहे थे। थोड़ी देर में लड़की की छोटे भाई निकल गया था वहाँ से, उसी समय ये वहाँ पे पहुँचा और लड़की को अपने घर ले जाने के बाद कह के उसको साथ में ले गया, क्योंकि लड़की उसको पहचानती थी, भाई कहती थी, तो लड़की को कोई शक भी नहीं हुआ है। तो ऐसे ही अंजाम दिया और इसने पूरा उस दिन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करने की भी इन्होंने कोशिश की। डेड बॉडी उठने भी नहीं दिया इन्होंने, ताकि ये दूसरे लोगों को नामजद कर रहे थे, पुलिस पे दबाव बना रहे थे तत्काल उनको अरेस्ट करने के लिए। किसी तरह से हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला और दबाव में किसी गलत लोगों को अरेस्ट नहीं किया है और सही पहचान फिर ये मुलजिम पकड़ने में मदद मतलब ये पकड़ा गया है प्रमोद।
और इसने सारे क्रम किए जिससे कि पुलिस को डाइवर्ट कर सकते हैं। बॉडी नहीं उठने दे रहा, दूसरे जो बगल में ताज मोहम्मदपुर के लोगों को नामजद कर रहा था उनको दबिश दे के पुलिस की पूछताछ करने के लिए कहा गया था, पुलिस को कहा इन्होंने, पुलिस को और भी जब भी इनके परिवार वालों से अलग से मिलने गई पुलिस, वो तब भी ये परिवार वालों के साथ बैठे मिला और उत्तेजित होकर बात किया, पुलिस को अपने काम नहीं करने दिया। We'll be right back.